कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। न पूछिए कि क्या हुसैन है, ना पूछिए कि क्या हुसैन है। खुदा के दीन का ना खुदा, खुदा के दीन का ना खुदा, हर इब्तदा की इब्तदा, करम की इंतहा हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है। खुदा के दीन का ना खुदा, हर इब्तदा की इब्तदा, करम की इंतहा हुसैन है। करे जो कोई हम सरी, किसी की क्या मजाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, ना कोई दूसरा खुदा, ना कोई दूसरा हुसैन है। ये हो चुका है फैसला, ना कोई दूसरा खुदा, ना कोई दूसरा हुसैन है। खुदा के दीन का ना खुदा, हर इब्तदा की इब्तदा, करम की इंतहा हुसैन है। करोगे गर मुखालफत गमे हुसैन की, यहाँ वो हश्र हो हश्र में के अल हफीज व अल इमाम। जहाँ भी छुपने जाओगे कहीं भी बच ना पाओगे, के हर जगह मेरा हुसैन है। जहाँ भी छुपने जाओगे कहीं पे बच ना पाओगे, के हर जगह मेरा हुसैन है। खुदा के दीन का ना खुदा, हर इब्तदा की इब्तदा, करम की इंतहा हुसैन है। है जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है, जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। है जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है, ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चराग है। हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है, इमाम तीसरा हुसैन है। कजा के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, फिशार से अजाब से मुझे निजात मिल गई। सवाल जब किया गया है कौन तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया हुसैन है। सवाल जब किया गया है कौन तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया हुसैन है। क्या हुसैन है कि मैंने कह दिया हुसैन है।
ये बात किस कदर हसी जो कह गए मुइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है, के दीन की पनाह हुसैन है। शाह अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन। सारे दाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद प्लीद, हक्का के बिना लाएला अस्त हुसैन, के दीन की पनाह हुसैन है। शाह भी हुसैन है, बादशाहों का बादशाह भी हुसैन है, दीन भी हुसैन है, दीन को पनाह देने वाला भी हुसैन है। सर दे दिया लेकिन नहीं दिया अपना दस्त अकदस यजीद फरीद के हाथ में। हकीकत तो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अकदस है। ये सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं है कि वो मोमिन है, वो मोमिन है, वो मोमिन है। मोमिन वो है जिसको कुरान मोमिन मानता है, वल्लाहु वलीयुल मोमिनीन, और अल्लाह दोस्त है मोमिनों का, और अल्लाह ने इसलिए मोमिन को अपनी दोस्ती अता की क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन्होंने अल्लाह की राह में जानें दी हैं उनको मुर्दा गुमान भी ना करो, वो जिंदा सलामत हैं और अल्लाह ताला से रिज्क पाते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का बिल्कुल ख्याल नहीं है, उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। ये जलसे और जुलूस निकाल लेने से कोई मोमन नहीं बन जाता, बल्कि मुल्क का निज़ाम ख़राब किया जाता है और बम धमाके करने वालों को दावत दी जाती है। ये सदियों से चलने वाला काम जो है ये यजीद ने भी किया था, और इस बात को हजम करने के लिए किसी के पास अकल नहीं है, ना ही शऊर है, ना ही मार्फत है, क्योंकि सब किताबी हैं और लाई लाख लोग हैं, एक दूसरे के पीछे पैरवी करते आ रहे हैं। ये यजीद ने भी किया था, माथे पे हाथ उसने भी मारा था, और मेरे नबी पाक का फरमाने आली शान है कि जब मेरा ये नवासा शहीद होगा तो इसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, और इसको शहीद करने वालों पर अजाब इलाही नाजल होगा, और अजाब इलाही आग की शक्ल में मदीने से 1400 किलोमीटर दूर शाम गया। हरियाली को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन पत्थर तक पिघला दिए, और उस आग ने जब फौज को नरगे में लिया तो यजीद महल से बाहर आया। बीबियों का काफला तो पीछे था, यजीद महल से बाहर आया, उसने सिपाहियों से कहा पीटो, अल्लाह का कलमा तैयबा पढ़कर पीटो, माथे पर सर पर मिट्टी डालकर पीटो। जब बुलंद आवाज कलमा पढ़ के पीटा गया तो वो अजाब टल गया, और उसी वक्त यजीद ने ऐलान किया जो दारुल खिलाफा से बाहर आ गया था कि आज के दिन हमारे ऊपर से अजाब टल गया है, लिहाजा ये दिन हर रोज़ मनाया जाएगा, और वही दिन मनाते मनाते आज के हालात बन गए हैं। कोई हकीकत को नहीं समझ सकता, किसी के पास ताकत नहीं है, कोई क्योंकि कोई हक परस्त नहीं है, क्योंकि कोई दिल से मुसलमान नहीं है, क्योंकि कोई दिल से मोमन नहीं है। सिर्फ मौलाई होने से मोमन नहीं बन जाता। और शिया का मतलब क्या है? अंग्रेज़ी में शिया का मतलब ये है, हुक्म मानने वाले को शिया कहते हैं, और एडहेयर टू इंग्लिश में कहते हैं एडहेरेंट। एडहेरेंट वो होता है जो हुक्म को तस्लीम करने वाला होता है। तो मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम ने कब हुक्म दिया था?
कि हमारे लिए पीटना, मेरे बेटे के लिए पीटना। मेरे शहनशाह करीम हजूर शहनशाह कलंदर आजम सरकार की बारगाह में बहुत से शिया हजरात आए और आपके जब लड़ लग गए और फिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत अता हुई, तो वो खुद कहते हैं कि हमने अपना अपनी ज़िंदगी के वो साल ज़ाया कर दिए पीट पीट कर, मौला हुसैन तो मिले ना, हालांकि या हुसैन कहते रहे। अब पीटना छूट बंद किया है और मौला मुर्शिद करीम हजूर शहनशाह कलंदर आजम सरकार के लड़ लगे हैं, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई है। ये है हकीकत, ये है मार्फत, इसे कहते हैं तरीकत, और ये है हकीकत। शरीयत तरीकत मार्फत हकीकत, अगर हकीकत को पाना है तो इन चारों जीनों पर अमल करो। जब इन चारों जीनों पर अमल करोगे, यानी मोहब्बत जहाँ ख़त्म होती है वहाँ दीवानापन शुरू होता है, और जहाँ दीवानापन शुरू होता है वहाँ से पागलपन शुरू होता है, यानी गल को पा जाना, और जहाँ पागलपन ख़त्म होता है वहाँ से इश्क शुरू होता है, और इश्क की इंतहा नहीं है। तभी तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने शेर में कहा कि या बारी ताला तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। किसी ने कहा अल्लामा साहब इश्क की तो इंतहा ही नहीं होती। आपने फरमाया तो मेरा अगला शेर पढ़ के देख, अगला शेर है तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल जैसी हस्ती, ये वो हस्ती हैं जो कहती हैं कि अगर मेरे पाँव में शरीयत की बेड़ियाँ ना हों, शरीयत की पाबंदियाँ ना हों, तो मैं बैतुल्ला शरीफ को छोड़कर जनाब सैयदा कौनैन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहु अलैहा के रोज़े का तवाफ़ करूँ। लेकिन यहूदी और नसारा ने मिलकर मुसलमानों को अपने नलके में लेकर, कर्जे देकर, पैसे खिलाकर, रिश्वतें देकर ये सारा काम करवाया, और हर किसी के साथ। जब मुआविया हुकूमत में था तो उसका सफ़ीर, उसका साथी भी एक गैर मुस्लिम था। जब यजीद हुकूमत में था तो उसका मशीर भी एक गैर मुस्लिम यहूदी उसका मशीर था। और जब जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा थे तो उनका मशीर मरवान था, मरवान बिन हकम। तो ये खिलाफत राजदा की जो बात करते हैं, कुरान पाक में इस्लाम में खिलाफत राजदा का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये मुसलमानों की सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि वो सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर लेते हैं कि जी ठीक है जी, अगर पहले खलीफा ने पहला जाग भाग के खलीफा बन गया चलो ठीक है जी, पहले ने दूसरे को बना दिया चलो ठीक है जी, दूसरे ने तीसरे को बना दिया चलो फिर ठीक है जी। तो मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम अगर ऐसी बात होती तो फौरन खिलाफत पर बैठते, कुर्सी खिलाफत संभालते। एक हफ्ते बाद आपके हामियों ने आपका दरवाज़ा खटखटाया, या मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम कुर्सी खाली पड़ी है, अब आप तशरीफ फरमा हो जाएं। आपने फरमाया जाओ मुझे कुर्सी की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे नबी पाक ने मुझे मौला फरमाया है, मैं छत का कमरे में भी मौला हूँ, मैं बाहर भी मौला हूँ, मुझे कुर्सी पर बैठ कर मौला कहलाने का कोई शौक़ नहीं है। जैसे पहले बैठते रहे हैं कुर्सियों पर, जाओ तुम में से जाके कोई बैठ जाए। दूसरे दिन फिर आपका फिर वही जवाब, तीसरे दिन फिर वो आए, फिर आपने फरमाया कि मेरा एक ख़ास शर्त है, मेरी एक ख़ास शर्त है, अगर तुम उसको मानोगे तो मैं बैठूँगा। जी हजूर अर्ज़ करें क्या शर्त है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, लेकिन मैं तो मारफा से बात कर रहा हूँ। आपने फरमाया, मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहली से लेकर तीसरी तक बैतुल बाल में जितनी भी खुर्द बुर्द की गई सबका हिसाब लूँगा, सबकी अकाउंटेबिलिटी करूँगा, और जिसका जो हक बना उसको दूँगा, बाकी वापस बैतुल बाल में रखूँगा। लेकिन ये सुनकर सबको सब सन्नाटा छा गया मक्के और मदीने में, सरेसाम ही लोग घरों में दाखिल होना शुरू हो गए और उनको पकड़ पकड़ कर बुला बुला के मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया गया कि बैत दो। और जब कुछ ऐसे बागी नाहंजार किस्म के लोग जिन्होंने बैत देने से इनकार कर दिया, तो मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम ने बार बार समझाया
खुद ही कत्ल करने वाले तीसरे खलीफा को, फिर उसकी शहादत का मातम रचाकर, उसकी मजलूमियत का मातम रचाकर मौला अली मुश्किल कुशा यानी ऐन इस्लाम के मुताबिक मुंतखब शुदा खलीफा बरहक वारसे खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बैर के बगावत लेकर खड़े हो गए और इतना सताया कि आपको मदीना छोड़कर कूफा जाना पड़ा फैमिली वगैरह लेकर। और फिर आपने वहीं आपकी शहादत मस्जिद में हुई। कौन हस्ती है जो दुनिया में आए तो ज्यारत महबूबे किबरिया करे, और दुनिया में आए तो बैतुल्ला शरीफ में ज्यारत करे तो महबूबे किबरिया की, और शहादत हो तो अल्लाह के घर मस्जिद में। मस्जिद को अल्लाह का घर तो कहा जा सकता है लेकिन बैतुल्ला नहीं कहा जा सकता। शहादत हुई तो बैत अल्लाह के घर में, और जब शहादत हुई तो आपने बुलंद आवाज में फरमाया या अल्लाह अली कामयाब हो गया, अली कामयाब हो गया, अली कामयाब हो गया। और सखावत इतनी कि फ़कीर खाना मांगने आया, कंबर इसे खाना दे दो, मौला पाक खाना तो संदूक में पड़ा है, फरमाया संदूक ही दे दो। मौला पाक सफ़र पे जाना, संदूक तो ऊँट पर बंधा हुआ है, फरमाया ऊँट ही दे दो। मौला पाक ऊँट तो कतार में बंधा हुआ है, फरमाया सारी कतार ही दे दो। कोई सखी ऐसा है कायनात में? हातम ताई को भी लोग बड़ा सखी कहते थे लेकिन उसने भी अपना आखिरी घोड़ा ज़िबह करके खिला दिया लोगों को सिर्फ इसलिए कि वो अपने ताने से बच जाए। लेकिन ये वो हस्तियां हैं जिनके दर दौलत से जो एक बार लेता है वो फिर सारी ज़िंदगी बांटता है, और ये औलिया मुकद्दमीन हैं जिन्होंने दर ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से एक दफ़ा खैरात का टुकड़ा पाया और अब तक तकसीम कर रहे हैं और अब तक दे रहे हैं, कमी नहीं आ रही। लेकिन समझने वाले क्या समझेंगे, क्योंकि उनके दिलों में बीमारी है और उनके दिलों पर कुफर लगे हुए हैं। अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर समात पर बसारत पर मुहर लगा दी हुई है, ये दुनिया में सजा दी है और मरने के बाद अजाब अजीम उनका मुंतजर है। मेरा मौजू नहीं था ये, मेरा मकसद था कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शान बयान करना और मनकबत पढ़ के बयान करना, लेकिन ये मौलाई जज्बा था जो उभरा, जिसकी वजह से मुझे ये चंद बातें भी करना पड़ी ताकि कोई इनको सीखे, कोई इनसे सबक हासिल करे। दुनिया में कितने मजहब हैं, यहूदी हैं, कभी यहूदियों को नहीं देखा कि वो अपने मज़हब के ऊपर बहस कर रहे हैं, ईसाई हैं, कभी ईसाइयों को नहीं देखा कि वो अपने मज़हब पर बहस कर रहे हैं, हिंदुओं को नहीं देखा कि वो अपने मज़हब पर बहस कर रहे हैं, सिखों को नहीं देखा कि वो अपने मज़हब पर बहस कर रहे हैं। ये फ़कत इस्लाम है जिसमें नाम निहाद मुल्ला हजरात उम्मुल खबाइस जहालत के आलम में इधर उधर के लोगों की किताबें पढ़कर इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं, इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं, और इस्लाम को इन्होंने अजीब नुक्ताचीनी का निशाना बनाया हुआ है, और इनको ज़रा शर्म नहीं आती। ये इतने बेशर्म हो चुके हैं कि अपने ही दीन का तिया पाचा कर रहे हैं बजाय कमज़ोरियों को छुपाने के। शिया हजरात अपनी बेटी के सर से कोई कपड़ा खींच ले तो बात को छुपाते हैं, लेकिन अपनी तकरीरों में पाक बीबियों के सरों से अगर कपड़े खींचे भी गए तो उस बात को छुपाने की बजाय तकरीरों में उछालते हैं। जो मौलवी सहाबा की शान बयान करके सबको मुतासिर कर दे वो सबसे बड़ा आलम, और जो जाकर सबको जारू कतार रुला दे जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम का बहाना बनाकर, मौजू सुखन बनाकर, जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का मौजू सुखन बनाकर ऐसी तकरीर करे कि सबको रुला दे वो सबसे बड़ा जाकर। हमारे यहाँ ये कसौटी बनी हुई है और कोई इसको दूर करने के लिए, कोई इसको ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। सब पैसे लेते हैं, सब पैसे मुफ्त में, कोई कुछ नहीं करता। कुरान बांट रहे, बेच रहे हैं, कुरान पाक इस्लामी तालीमात बेच रहे हैं और पैसे खाते हैं उसके इवज। नकाह खां भी पैसे खाते हैं, हज़ारों की तादाद में पैसे लेते हैं। ये है हमारा इस्लाम जिसके ऊपर धब्बे लगाए जा रहे हैं, और लगाने वाले ये खुद मुल्ला हजरात हैं जो 18,000 मुल्ला वहाँ शाम जमा किए गए हो गए थे। और सुल्तान बाहू सरकार की शायरी पढ़ें कि जेगर मुलाजा सरवरदा कर दी, अगर चेहरा हुसैन पाक को देख लेती तो शायद उनको
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरा अनवर की खदो खाल कोई निशानियाँ नज़र आ जाती तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खातर मर मिटते, लेकिन नहीं, उनको तो नमाज की पड़ी हुई थी बात। चलो नमाज का टाइम हो रहा है, वो 18,000 मुल्ला हजरात सब कुरान हाफिज आलम थे, और वो सूरत हाल उस वक्त की और आज की सूरत हाल दोनों बराबर हैं। सब नमाज की तरफ भागते हैं, सब जन्नत की खातर नमाज पढ़ते हैं, और जन्नत वालों से दुश्मनी रख कर क्या कश्ती में सवार होकर मल्ला से दुश्मनी रखी जा सकती है? इतनी भी इनको शर्म हया और अकल नहीं है कि जिसकी कश्ती में बैठे हैं उसी मल्ला से हम दुश्मनी रखें, बुग्ज रखें, अदावत रखें? इस बात को जहन नशीं कर लें कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े महशर मकामे महमूद पर होंगे, जो बहुत बुलंद है, और मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अलैहिस्सलाम जन्नत और दोजख तकसीम करने वाले होंगे। ऐ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाहली अल्लाह ताला ने जन्नत और दोजख तुझसे तकसीम करवानी है, इसलिए कि मुनाफिक तेरे पास आएगा नहीं और मोमन तेरे पास भागा आएगा, और तू उसे नविश्ता लिख कर देगा तो जन्नत का दरोगा रिजवान उसको कबूल करके जन्नत में दाखला देगा, और आगे जन्नत में इस्तकबाल कौन करेंगे? हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो ये इंसानियत का तकाज़ा है, माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हकीकत को समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा हक परस्त बनने की कोशिश किया करें, जब तक हक परस्त नहीं बनोगे तो अल्लाह ताला ने जो अकल हवा से खमसा अता किए हैं उनका सही इस्तेमाल ना अगर किया तो ज़ालिमीन में शुमार किया जाएगा, और वल्ला हो रहा यहादिल कौम ज़ालिमीन, और अल्लाह ज़ालिम कौम को हिदायत नहीं देता। और ये आज के हालात का जो हम देख रहे हैं ये सबूत नज़र आ रहा है कि ये कौम हदायत से खाली हो चुकी है, इनकी हदायत सलब हो चुकी है। ये मुसलमान लड़कियों के साथ क्या करते हैं, बच्चियों के साथ क्या करते हैं, कोई नज़्म व नस्ब नहीं, नज़्म व नस्क नहीं है, कोई तहजीब व तमद्दुन नहीं है। 70 साल से ज़्यादा पाकिस्तान को बने हो गए हैं, लेकिन ये पाकिस्तान आज तक तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सका। जब हम पैदा हुए तो बिजली जाती थी, अब बूढ़े हो गए हैं तो बिजली जाती है, क्या तरक्की की हमने? क्योंकि तरक्की में राह रुकावट ही ये मुल्ला हजरात हैं जो इधर उधर से पैसे लेकर अंग्रेज़ों से क्रिश्चियन से पैसे खाकर डैम नहीं बनने देते, मुल्क को तरक्की नहीं करने देते। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, कलमा तैयबा शरीफ के नाम पर बना है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास नज़र करम है इस पाकिस्तान पर, लेकिन उसके बावजूद ये मुसलमान बताते खुद पैसे के लालच में आकर अपने ही मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हुकूमत नाकाम है। हाँ, हुकूमत नाकाम है, हमें जो निज़ाम हुकूमत का मिला वो तो खुलफा का था, मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम का निज़ाम हुकूमत हमें नहीं मिला। जो सरकारी काम करते थे तो थोड़ा सा तेल बैतुल माल से पैसे लेकर दिए में डाला करते थे, और जब जाती काम करते थे तो अपने पल्ले से पैसे निकाल कर जेब से पैसे लेकर तेल मंगवा कर चिराग जलाया करते थे। और यहाँ हुकूमत की तमाम मशीनरी, तमाम मिनिस्टर हजरात, तमाम हुकूमती अहलकार अपने जाती इस्तेमाल में ला रहे हैं। ज़रा गौर करें कि कौन सी हस्ती मीज़ान पर है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अली का फैसला हक पर होता है जैसे अल्लाह का फैसला हक पर होता है, अली का फैसला मीज़ान पर होता है, अल्लाह का फैसला भी मीज़ान पर होता है। ना अली जुल्म करता है ना अल्लाह जुल्म करता है। खैर, इतना वक्त नहीं मिल सका, मैंने माजरत भी कर ली है, कोई बात गलत लगी हो किसी को, क्योंकि इसमें बहुत सारी मार्फत मैंने बात बयान की है जो किताबों में नहीं मिलती, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि बातों को इस अंदाज़ में रिकॉर्ड करूं कि सुनने वाला
दिलचस्पी से मोहब्बत अकीदे से सुने और वो राह पा जाए, शायद उसके राह पा जाने से इस बंदा ना चीज़ की मगफरत हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।